हम तो पार्टी से जुड़े हैं, राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा जी, बीजेपी छोड़े कोई भी आ जाए हम वोट उसको देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर भी हूँ जी जी, मैं ही काम करता हूँ। हाँ, अच्छा आप मुस्लिम समुदाय से हो ना, फिर भी आप मतलब योगी जी और मोदी जी कितनी तारीफ कर रहे हैं। लड़के कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे, मेट्रो रिक्शा चला रहे, बीबीए करने वाले। तू बतला रहा है कि नौकरी मिल रही है, 2 करोड़ नौकरी निकाली थी, कहाँ है बीजेपी सरकार में? विकास करा दिया, विकास तो जी भगवान का लड़का और पान बेच रहा तो ना। अब के जब से प्रधानमंत्री मोदी बन के आगे वो तो आगे ही, वो टटल है, राहुल कितना भी जोर लगा ले वो आना नहीं। ओ भैया, और क्या मैटर है, टोटल में गठबंधन। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। लगातार जो हमारी चुनावी यात्रा है उसको लेकर के हम लगातार आपके अपडेट दे रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के श्यामली में, तो लोगों से बातचीत करेंगे। जो डबल इंजन की सरकार है उसका कैसा कार्यकाल रहा, और जो आने वाले चुनाव है, जो लोकसभा के चुनाव होंगे, क्या जनता का मूड है, जो गठबंधन एक हुआ है तो गठबंधन पर वोट पड़ेगी या फिर डबल इंजन की सरकार दोबारा फिर जो अपना जलवा दिखाएगी। क्या नाम है जी? मेरा नाम आंसू है जी। आंसू जी, अच्छा आंसू, क्या कुछ कहोगे, चुनाव नज़दीक है, किसको चुनोगे? हम चुनेंगे राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा जी, ये गठबंधन में आ गए तो मामला? हाँ, गठबंधन है उसे किस भी, हम तो पार्टी से जुड़े हैं, राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा जी, बीजेपी छोड़े कोई भी आ जाए हम वोट उसको देंगे। मतलब ये ऐसा क्यों, विकास पे वोट नहीं करते आप पार्टी पे? वोट नहीं, विकास क्या किया इनने, क्या किया बीजेपी ने? विकास विकास गिना है। हाँ गिना। अच्छा, विकास करे नहीं भाई? हाँ जी, विकास हुआ बहुत। ये आपके पास में ही है, विकास हुआ नहीं भाई? पता नहीं, चलिए क्या विकास है भाई? मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर भी हूँ जी जी, मैं ही काम करता हूँ। हाँ, मगर जो काम बीजेपी ने करा, आने वाला कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री काम नहीं करना। ये हुई ना बात, आप बताओ, आप इस के सवाल होंगे, आपके जवाब होंगे। भैया जी, आप जो है 100 बंदे आपको मिलेंगे। हाँ। आप 100 से बात करोगे। हाँ। आपको जो है कम से कम 50-60% तो खिलाफ मिलेंगे। अच्छा, अगर ये आपको बातों में ना जाने दे फिर तो मान लोगे आप हार है आपकी, आपकी हार हो जाएगी। क्या करने दोगे आप, ये काम करवाएंगे? देख लो ना, पेट्रोल क्या भाव है? हाँ, पेट्रोल की बात करी आपने, पेट्रोल क्या भाव है आज? अच्छा भाई, पेट्रोल और सिलेंडर कह रहे हैं आप, इतनी गाड़ियां लोगे, पेट्रोल तो महंगा होगा, हर एक आदमी के पास मजदूर के भी गाड़ी है, तो इसीलिए तो पेट्रोल गाड़ी अपनी, तो किसी के भी हो तेरे पास अपनी गाड़ी है क्या? जब तू भाजपा का सदस्य है, मेंबर है, तेरे पास अपनी गाड़ी? मेरे पास नहीं है, तो होगड़ों के पास तो है। होगड़ों के पास है तो गाड़ी बिकने से पेट्रोल महंगा होगा, गैस सिलेंडर रसोई सिलेंडर महंगी होगी, 1100 रुपए गरीब आम आदमी कहाँ से ले लेगा? तू सब ले नहीं रहे, यूँ बताओ कौन नहीं ले रहा भाई, मजबूरी है लोगों। अच्छा, सब ले तो रहे हैं, कौन ले? सस्ता कर दिया, 200 रुपए घटे, मजबूरी है इनकी, 200 घटा दिए। चुनाव सर पे है 2024 का, अब 200 रुपए घटा चुकी है सरकार सिलेंडर पे, अब 908 रुपए का दे रही है, अब से पहले क्यों नहीं दिया भैया? सब्सिडी भी खत्म कर भाई। आपका क्या नाम है ये? मेरा नाम फरमान है जी। हाँ, अच्छा फरमान, कितना बढ़िया नाम है आपका। अच्छा ये बताइए, बीजेपी ने 5 ऐसे काम क्या करवाए हैं मोदी सरकार ने? कोई कुछ ही कहला आवेगा तो मोदी, ये तो बात अटल है। मोदी आएगा और दूसरी मतलब कुछ कहने का या वो कहने का ये तो ठीक नहीं है, वो काम पे वोट देगी जनता तो, है ना? हाँ, जनता काम पे वोट देगी, इतना बढ़िया विकास करा, गुंडे देख लो, गुंडा कहीं से कहीं लो चमकेगा। बदमाशी खत्म करी बीजेपी ने, इन तो करी और किसी ने करी, वो बताओ। अच्छा जी, बदमाशी खत्म होगी, इतना बड़ा सवाल इन्होंने आपसे कर दिया, आप बताओ। भैया जी देखो, बदमाशी तो जो करने वाला है वो आज भी कर रहा है, उसे सरकार से किसी चीज़ की कोई नो टेंशन है। जो बदमाशी करता है वो तो अब भी कर रहा है। हम तुम लोग तो मजदूर हैं, हमें तो अपनी मजदूरी करनी है, घर पालना है। बदमाशी कौन करता है? कोई भी नहीं करता बदमाशी, तो कोई भी नहीं करता। प्रशासन भी एक पार्टी के कार्यकर्ता बदमाश बनाते हैं, यही मरवाते हैं। अच्छा ये कह रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, आप बदमाश हो। आप ही बताओ क्या, कौन सा कार्यकर्ता बीजेपी का कौन सद की तारता फिर रहा, या कौन सा किसी को दुख दे रहा? जो बदमाश है, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान, जो बदमाश दंगा तारेगा तो वो चाहे किसी भी पार्टी का होगा। ये जो कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर का ना, आपने सुना होगा, उसने बलात्कार किया है, उसके ऊपर बलात्कार का इल्जाम है जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित। देखो, जो काम बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी का मंत्री, जो काम करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी, ऐसी बात नहीं। और योगी जी कार्रवाई भी कर रहे, आप देख नहीं रहे, जब से योगी जी ने अपना लंबर चलाया और जब से अधिकारी सब सेंटर में है। अच्छा, आप मुस्लिम समुदाय से हो ना, फिर भी आप मतलब योगी जी और मोदी जी कितनी तारीफ कर रहे हैं? मैं यही का हूँ, रहने वाला आजाद। बात कही कि आप मोमडन हो तो सारे ऐसे हैं, ऐसा थोड़ी है।
सेरेमोन नहीं ऐसे क्यों है? वो अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूँ। नहीं, योगी जी के बारे में नहीं ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी जो सरकार है ना मुस्लिमों के खिलाफ है। नहीं, मुस्लिमों के कहाँ खिलाफ है, मुस्लिमों का सबसे पहले काम हो बताओ। अच्छा, कुछ लगे आपने? मगर एक बात बताऊँ, जैसा काम बीजेपी कर रही है हमें यूँ पता, इससे बढ़िया कोई काम नहीं कर रहा। और आप ये देख लो, गुंडे माफिया और बदमाश कहाँ है आजकल, यूँ बता दो। जब आदमी सुरक्षित रहेगा आगे जब ही तो बढ़ेगा, बताइए आप। ये बड़ा सवाल कर दिया भाई इन्होंने कि भाई जो मानता हूँ इन्होंने बहुत बड़ा सवाल करा है, जब गुंडा गर्दी ये करेगा आगे बढ़ेंगे, ये लोग क्यों नहीं बढ़ पा रहे आगे? क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्या उनसे पूछो ना सवाल। अच्छा, क्यों नहीं बढ़ पा रहे? इतना काम आगे बढ़ रहा है, जब हम सुरक्षित रहेंगे आगे भी बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं। अच्छा, मेरा भी एक सवाल है, जनसंख्या है एकदम, ये मेरा भी एक सवाल है आपसे दोनों से हट करके। अच्छा, आप युवा हो, आपको रोजगार मिला सरकार? हाँ जी, रोजगार तो ही इतनी नौकरी दे रही सरकार, और आगे चाहे पढ़े लिखे हुआ मिलेगा, पढ़े लिखे हुआ मिलेगा। चलो, बीबीए जो लड़के कर रहे हैं वो रिक्शा चला रहे, मेट्रो रिक्शा चला रहे, बीबीए करने वाले, तू बतला रहा है कि नौकरी मिल रही है, 2 करोड़ नौकरी निकाली थी, कहाँ है मैं बीजेपी सरकार में? आपके मोदी जी को आने के बाद देने को कह रही थी, कहाँ है मैं? ये बात, ये कहाँ है मैं? विकास करा दिया, विकास तो जी भगवान का लड़का है और पान बेच रहा, अब तक तो विकास नहीं हुआ, आज तू विकास की बात कर रहा है, उन्हें ये करा दे, उन्हें क्या करा दे, विकास बता। विकास पैदा भी नहीं है अब तक, बताओ। ये देखो पान बेचने लग गया भाई, विकास पैदा हो गया, क्या हो गया भैया बताओ ना। अब के जब से प्रधानमंत्री मोदी बन के आगे वो तो आ गई, वो अटल है, राहुल कितना भी जोर लगा ले वो आना नहीं। ओ भैया, और क्या मैटर है? और उसमें मेरी बात सुनो, मोदी जी प्रधानमंत्री आएंगे, रोजगार भी मिल रहा, और भी रोजगार मिल रहा। दूसरा ऑप्शन क्या है फिर आपके पास में? कैसा भैया? मोदी के अलावा या राहुल गांधी, तो कह रहे हो आप राहुल गांधी नहीं आएंगे, ये भी बोल रहे हैं। टोटल में गठबंधन, महागठबंधन, महागठबंधन, हाँ गठबंधन जीतेगा, गठबंधन ही जीतेगा। एक बार मैं सर्वे कर लूं, पब्लिक खड़ी है, बिल्कुल कर लो। हाँ जी, गठबंधन जीतेगा, जीता। हाँ जी, अच्छी स्थिति में इंडिया, गठबंधन जीतेगा। अच्छा, गठबंधन जीतेगा जी, ये देखो चुपचाप है। आज गठबंधन के नतीजे आप घोसी में देख लेना, घोसी विधानसभा के जो नतीजे आएंगे आज, उससे आपको गठबंधन का पता लग। 49,000 वोट से जीत हुई उनकी, समाज घोसी में उपचुनाव था, उपचुनाव था, वहाँ से जीत गई। हाँ, सुधाकर सिंह जीत गए वहाँ, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के काफी बड़े मार्जिन से जीते, 50,000 वोट से। अच्छा, अभी आने वाले चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, एक तरफ है INDA और एक तरफ है इंडिया, कौन सी पार्टी विनर रहेगी उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, अच्छा। मौजूदा स्थिति में, लेकिन यह है कि सब मिल के अगर वोटों का बंटवारा ना हो, वोटों का बंटवारा अगर ना हुआ, उत्तर प्रदेश में उन्होंने बोल दिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी है। हाँ, मजबूत है उत्तर प्रदेश में बीजेपी, बहुत मजबूत है। अरे, लोकसभा का बहुत बड़ा योगदान है, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पे मौजूद है ना जी? बिल्कुल जी। फिर आपका कहाँ इशारा है? नहीं, हम तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आप इंडिया, योगी जी के कामों से खुश नहीं हो? मोदी जी काम अच्छे करे उन्होंने, योगी जी ने भी। डबल इंजन की सरकार से खुश नहीं हो? नहीं, खुश है। खिलाफ क्यों फिर वोट क्यों नहीं देंगे, साथ क्यों नहीं देंगे बीजेपी का? नहीं, साथ दिया, इसमें दिया था विधानसभा में, बड़े चुनाव में जो है हम उसके साथ हैं गठबंधन के। अच्छा, काम हुआ, सड़कों का काम हुआ, बिजली विभाग, सब अच्छा काम है। नहीं, वैसे